ओम शांति। आज हम सुनेंगे सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से, जिसमें बाबा ने कहा मर्यादाओं का पालन करो। पहली बात, अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति की मर्यादा को जानते हो? मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। यह पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखें। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरण ना हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। दूसरी बात, बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में चाहे बैठने में चाहे बोलने में चाहे सेवा करने में चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर ज़रा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। ये बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है कि हम पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को समझ लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि अगर कोई कर्म कोई सेवा विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर ज़रा सा अंतर रह गया, तो वो भी अपवित्रता है। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं,
किसको दुख तो दिया ही नहीं। लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। दोबारा रिपीट करते हैं, स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया बोलना नहीं था, लेकिन बोल लिया तो इसको क्या कहेंगे, मालिक हैं। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, बाबा कहते सेवा, सबको चेक करो। मोटे रूप से चेक नहीं करो, अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिखाया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, हाँ बाबा ने कहा, दूसरा बोझ उठाते रहो। मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो, तो इसलिए मोटा मोटा रूप ना पुरुषार्थ का रखो ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय अचानक समाप्त होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है, देखो बाबा हमको आज के समय का ये पहले से ही इशारा दे रहे हैं कि जो समाप्ति है वो अचानक होनी है, बताकर नहीं होनी है। बाप दादा ने पहले से ही कह दिया है कि कोई उलहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा, समझे। बाबा समय नहीं बताएंगे, लेकिन बाबा ने ये बता दिया है कि समाप्ति जो है वो अचानक होनी है। और अभी तो देख ही रहे हैं कि एक दिन के जनता कर्फ्यू से आज कितने महीने हो गए हैं और अभी भी कोई भरोसा तो नहीं है। नेक्स्ट बाबा ने बात कही, आज्ञाकारी रहने का दृढ़ संकल्प करो। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो बाबा ने अंडरलाइन किया, तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण हैं,
कि मिक्स हैं। अगर मिक्स हैं तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर ही कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं, और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। बाबा ने हमको ये बहुत सुंदर फॉलो फादर करने की और अपने अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने की युक्ति बताई है कि अमृत वेले से ही अपने मन को आज्ञाकारिता की पटरी पर चढ़ा दो कि कोई भी संकल्प बोल या कर्म करना है तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया हाँ जी का पाठ पक्का करके, ऐसे हमें भी आज्ञाकारी बन के बाबा की हर आज्ञा को एज इट इज़ फॉलो करना है। तो दुआएं मिलेंगी और दुआओं से जीवन में बाबा ने कहा संतुष्टता रहेगी, ये उसकी निशानी है। अच्छा, ओम शांति।